हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ना यहाँ पर मैं अपना व्लॉग ना इवनिंग से ही शुरू कर रही हूँ, और शायद 6:30 का टाइम हो रहा था। तो जो मैंने कपड़े वॉश करे थे ना विंटर के, तो मैं वही कपड़ों की तह लगा रही हूँ, और विंटर वाले कपड़े अलग रख रही हूँ और गर्मी वाले कपड़े वो अलग रख रही हूँ। इसमें से ना कुछ कपड़े ऐसे थे जो सूखे नहीं थे, तो उनको भी मैं बाद में बाहर तो नहीं डालूँगी, अंदर ही डाल दूँगी। और बाकी के जो आरना के जो पापा के कपड़े हैं ना, वो उनकी दूसरे कबर्ड में रख दूँगी, और मेरे और आरना के कपड़े मैं इस वाले रूम में रखती हूँ। तो बस यहाँ आरना भी बीच में आ रही थी, तो फटाफट से मैं कपड़ों की तह लगा लेती हूँ। तो ना मैं रूम की चादर भी ठीक कर रही थी, क्योंकि कपड़ों के तवे लगाते हैं और आरना चढ़ती है तो थोड़ी सी चादर बिगड़ सी जाती है, तो बस उसको भी मैं ठीक कर रही थी। और बेडरूम थोड़ा साफ सुथरा अच्छा लगता है देखने में। और हमने जो शाम को चाय पी थी ना, तो ये तब के बर्तन है, क्योंकि वही काम शाम का शुरू हो जाता है जो हम सुबह मॉर्निंग में करते हैं ना, तो वही काम शाम को भी वही शुरू हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पर ना बर्तन साफ कर रही थी, और आरना को पानी चाहिए था, तो उसकी जो मम्मी ने जो चांदी के गिलास दिया था, तो मैं उसमें ही उसको पानी देती हूँ, अलग से ही इसका गिलास मैं रखती हूँ। तो बस वो यहाँ पानी पीने के लिए आई थी, तो मैं फटाफट से बर्तन साफ़ करके, और फिर मैं ना मतलब थोड़ा सा हाथ मुँह धो लिया था, क्योंकि मुझे ना मार्केट जाना था, तो कुछ सामान लेना था। तो बस मैं फिर फटाफट से मैं सामान वामान लेके फिर मैं आपसे बात करती हूँ। नीचे गई थी सामान लेने के लिए, तो मैं अपने लिए विक्स लेकर आई हूँ। गला ना दर्द सा कर रहा था, ब्रेड मतलब ब्रेड लेने गई थी मैं, बना तो मैं सब्जी ली थी, तो फिर इनसे याद आया कि यार थोड़ा सा नीचे सामान है वो लेकर आना है, तो मैं वो लेने गई थी नीचे। आर्मी को भी लेके गई थी, क्योंकि काफी देर से बोल रही थी बाहर बाहर, तो बस ये। और आज मैं सब्जी बनाऊंगी, कच्चे पपीते की सब्जी बनाऊंगी मैं। बस मैं ही काट ही रही थी, मुझे याद आया कि जो सामान है वो ले आती हूँ, और मेरा गला भी दर्द कर रहा था, तो मैं मिक्स भी लेके आई थी, अभी तो एक ही लेकर आई हूँ। चलिए फटाफट से सब्जी बना के टाइम लिया। और मैंने आरना के लिए ना दलिया बनाया है, इसमें मुझे तड़का लगाना है, तो इसमें बनाती हूँ। पहले इसमें तड़का लगा लेती हूँ, फिर मैं सब्जी बना।
दलिया में तड़का मैं सिंपल ही लगाऊंगी, हींग और जीरे का ही लगाऊंगी बस, क्योंकि फिर वो ज़्यादा तो पसंद करती नहीं है, हींग जीरा खा लेती है, वही बहुत है। तो मैं फिर यहाँ पे फटाफट से उसमें तड़का लगा लेती हूँ। तड़का लग गया और ना मंदिर की भी मतलब मंदिर की आरती की भी आवाज आ गई है, क्योंकि टाइम हो गया पूजा करने का, तो मैं भी ना फटाफट से करके फिर पूजा करती हूँ। यहाँ बहुत अच्छी आवाज आती है, बिल्कुल सामने है मेरे घर के ना मंदिर। तो ये आरना का डिनर भी तैयार हो गया, मैं फटाफट पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं सीधा खाना बनाऊंगी। तो मैं पपीते को अच्छे से साफ़ कर लूँगी यहाँ पर। तो मैंने इसके छिलके भी उतार लिए हैं, मुझे मतलब जब छिलके होते हैं ना पपीते में तो वो अच्छे नहीं लगती हैं मुझे सब्ज़ी, तो उनके मैं छिलके उतार के ही सब्ज़ी बनाती हूँ। और अंदर जो बीज है ना मैं इनको भी साफ़ कर लूँगी, और इनको फिर छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लूँगी सब्ज़ी को। तो ये मेरी सारी सब्ज़ी भी यहाँ पर कट गई थी। तो बस मेरा ना तेल भी गर्म हो गया था, मैंने इसमें हींग और जीरा ऐड कर दिया है, और इनको मैं अच्छे से तड़का लूँगी। फिर जब ये तड़क जाएंगे तो मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी बारीक कटा हुआ। आप चाहो तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं करती हरी मिर्च ऐड। तो बस यहाँ मेरा ये सब अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, तो बस प्याज डाल के इसको मैं दो मिनट तक मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी प्याज को। ये हल्का सा पिंक हो जाए, लाइट पिंक कलर सा हो जाए, फिर मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया है, धनिया पाउडर भी और लाल मिर्च पाउडर भी। तो मेरी जो लाल मिर्च है ना ये कश्मीरी वाली लाल मिर्च है, ये तीखी नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। तो बस इन सबको मैं अच्छे से मिला लूँगी, और फिर मिलाने के बाद ना मैं इनमें मतलब 2 सेकंड के लिए ढक के पकाऊँगी, और फिर मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मैंने नमक ऐड कर दिया है, बस यहाँ मैंने ढक के, तो इसको आप देख सकते हैं कितना अच्छा से मेरे मसाला पक गया है। अब मैं ना इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी, सॉरी कसूरी मेथी मतलब मैंने कसूरी मेथी भी ऐड करी थी, और ये जो मैंने डाला है ना ये कच्ची आमी है ना वो डाली है मैंने, थोड़ी सी डाली है, क्योंकि पपीते में ना कच्चे पपीते की सब्ज़ी में ना ये खट्टापन थोड़ा अच्छा सा लगता है। तो आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो बस यहाँ मेरा मसाला तैयार हो गया था, कसूरी मेथी ऐड कर दी थी मैंने इधर, कसूरी मेथी ऐड करके फिर मैंने पपीता भी डाल दिया इसमें। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से छोटा छोटा काटा था इसको। बस यहाँ मेरी सब्ज़ी भी अच्छे से मिला लूँगी,
तो ना मेरी रोटियां भी बन चुकी थी और मेरी सब्जी अभी नहीं बनी थी, क्योंकि ना बीच में ना आर ना उठ गई थी। तो मैंने ना फिर पहले अपनी गैस मतलब सब्जी की गैस बंद करी और फिर मैं उसको सुलाने गई थी, तो इसलिए मैं यहाँ थोड़ा लेट हो गई थी। तो बस ही मेरी सब रोटियां बन चुकी है, तो मैं किचन काउंटर भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, गैस को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही होती तो इतने में मैं सारा काम ना अपना ख़त्म कर लेती हूँ किचन का। तो जो थोड़े बर्तन भी थे मैंने वो भी साफ़ कर लिए थे, बस थोड़े से रह गए थे उनको मैं अब साफ़ करूँगी। तो यहाँ देखिए मेरी किचन भी साफ़ हो गई है। तो यहाँ पर ना मेरी सब्जी भी बन गई थी। तो चलिए मैं अपना व्लॉग ना यहीं पर ही एंड करती हूँ। तो यहाँ मैंने रायता भी बनाया था, खीरे भी काटे, तो मेरा आज का डिनर ये था। तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।